नमस्कार दर्शकों, आप मेरे यानी दिलीप जगवानी के साथ देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यात्रियों ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का जताया विरोध। इधर जोनल स्टेशन में देखने को मिली सफाई। गर्लफ्रेंड को परेशान करने का विवाद पहुंचा हत्या तक। मामला सरगंडा थाने का, आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, कहा मरीजों को मिले उचित इलाज, चिकित्सकों की जरूरतों का रखेंगे ख्याल। समृद्धि बाजार के 82 दुकानदारों का 80 लाख बकाया, निगम आयुक्त ने जारी किया अंतिम नोटिस। और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। कलेक्टर कार्यालय के सामने नो पार्किंग जोन में भी लोगों ने बनाया अवैध पार्किंग स्थल। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोरबा पहुंचे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी को यहां के नागरिकों की नाराजगी झेलनी पड़ी। यात्री ट्रेनों को शुरू करने की मांग को लेकर लोग पटरी पर आ गए, मगर चेयरमैन साहब को यहां के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने का भी समय नहीं मिला। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी इन दिनों बिलासपुर जोन के अलग अलग स्टेशनों का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को वे कोरबा पहुंचे। नागरिकों को चेयरमैन ने मुलाकात का समय नहीं दिया, इससे नाराज होकर पूर्व गृह मंत्री और विधायक ननकीराम कंवर की अगुवाई में रेलवे संघर्ष समिति के पदाधिकारी रेल पटरी के बीच बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने गेवरा रोड स्टेशन में चेयरमैन त्रिपाठी से उन्हें मुलाकात का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर आंदोलन समाप्त हुआ। बताया जा रहा है कि यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर सुबह से ही चेयरमैन से मुलाकात करने कोरबा रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में नागरिक उनका इंतजार कर रहे थे। यहां मौजूद अधिकारियों ने चेयरमैन के आगमन से जुड़ी जानकारी अधिकारी देने से कतराने लगे। इस बात से नाराज होकर ननकीराम कंवर शहर के बीच पवन टाकिज रेलवे क्रॉसिंग पहुंच गए और पटरियों के बीच कुर्सी लगाकर धरने पर बैठे। रेलवे संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर नारेबाजी की। लाल कपड़ा लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को समझाइश देने रेलवे के अधिकारी आनंद फानन में आरपीएफ की टीम को लेकर यहां पहुंचे और चेयरमैन से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया। है कि कोरोना काल के पहले जो गाड़ियां चल रही थी वो गाड़ियां चले, क्योंकि कोरबा से सबसे आमदनी देने वाला कोरबा शहर है। फिर इंटरनेशनल और राज्य के बहुत से यहाँ रहते हैं और उनको जाना रहता है अपने प्रदेश, तो इसलिए जितना गाड़ियाँ चलती थी पहले वो गाड़ियाँ चल रही। लोगों की मांग है कि बंद की गई ट्रेनें शुरू की जाए और कुछ नई ट्रेनों की मांग भी काफी समय से की जा रही है। रेलवे संघर्ष समिति समेत कई अन्य संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हुए। चेयरमैन के आगमन के कार्यक्रम में कहीं भी यात्री सुविधाओं का जिक्र नहीं था। केवल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एससीसीएल की कोयला खदान में संचालित कोयला साइट का ही दौरा निर्धारित किया गया है। इस बात को लेकर भी स्थानीय लोगों में रोष देखा गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी बिलासपुर जोन के दौरे पर हैं। श्री त्रिपाठी जोनल स्टेशन से विशेष सैलून के माध्यम से अलग अलग स्टेशनों और रेलखंडों समेत कोयला साइडिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर रेलवे स्टेशन की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया। साथ ही सभी मुख्य द्वारों से वाहनों की पार्किंग हटा दी गई ताकि उनके आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके। कोयला मजदूरों की समस्याओं और मांगों का निराकरण करने एटक ने सोमवार को एसईसीएल मुख्यालय के पास बड़ा आंदोलन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में हुए धरना प्रदर्शन में हजारों मजदूर शामिल हुए। संयुक्त कोयला मजदूर संघ ने एसईसीएल प्रबंधन पर अंधेरगर्दी का आरोप लगाया है। एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद कामरेड रमेंद्र कुमार के नेतृत्व में संयुक्त संघ ने कोयला मजदूरों के हित में आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय महामंत्री हरिद्वार सिंह ने कहा, एसईसीएल और ठेकेदार आपस में सांठगांठ कर मजदूरों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। कोयला मजदूरों का 11वां वेतन समझौता 5 बैठकों के बाद भी बेनतीजा है। उनका कहना है, मैन पावर बजट के अनुसार उनका प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। प्रबंधन से लेकर खदान तक अंधेर गर्दी चल रही है। पिछली बार 3% मजदूरों का प्रमोशन हुआ था। मजदूर आक्रोशित है, गुस्से में है, उनके घरों का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। खदान के अंदर वेंटिलेशन की समस्या है। कॉन्ट्रेक्टर लेबर जो ठेका मजदूर है उनको 1,080 रुपया रोज के हिसाब से मिलना चाहिए।
350 रुपये में उनसे काम जो कराया जा रहा है। ये अंधेर गर्दी, ये प्रबंधन और ठेकेदारों के बीच का जो बंदरबांट है, इसको लाल झंडे एटक जैसे क्रांतिकारी संगठन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सभा को संबोधित कर रहे राष्ट्रीय नेताओं ने खदानों में पर्याप्त हवा, पीने का पानी और बिजली नहीं होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि SECL का निजीकरण करने के इरादे से मजदूरों का PF नहीं काटा जा रहा है। 4 लेबर लाकर ट्रेड यूनियन बनाने का कानून खत्म कर दिया, प्रबंधन को सारे अधिकार दे दिए गए हैं, अप्रेंटिस एक्ट खत्म कर मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। आज भारत सरकार ट्रेड यूनियन बनाने का कानून खत्म कर दिया, 4 लेबर कोड ला करके प्रबंधन के हाथ में सारा अधिकार दे दिया, कंसिलेशन को खत्म कर दिया, अप्रेंटिस एक्ट को खत्म कर दिया, IR के लिए जो है परसेंटेज जो सिस्टम लागू कर दिया। ये जिधर देखो उधर अंधेर गर्दी और अग्निवीर अग्निपथ अग्निवीर को भर्ती करके और समाज के अंदर जाति और मजहब के आधार पर समाज को तोड़ने का सरकार काम करती है, उसका भी हम विरोध करते हैं। एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद कामरेड रमेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री हरिद्वार सिंह, संयुक्त संघ के सचिव विजय मुदलियार और मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने SECL प्रबंधन को मजदूर हितों की अनदेखी नहीं करने कहा है। इसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो संयुक्त कोयला मजदूर संघ ने काम बंद करने चेताया है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा TV, बिलासपुर। SECL मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे अप्रेंटिस युवाओं का आरोप है कि SECL प्रबंधन उनसे मजदूरों की तरह पेश आ रहा है। ITI प्रशिक्षु युवाओं ने प्रबंधन के खिलाफ कई दिनों से मोर्चा खोल दिया है, वे अधिकारियों से मिलना चाहते हैं। उनका आरोप है कि SECL प्रबंधन ने अप्रेंटिस कानून खत्म कर तकनीकी दक्षता वाले युवाओं के हाथ से रोजगार का अवसर छीन लिया है। आंदोलन में शामिल अभिभावकों का कहना है, काफी जद्दोजहद के बाद बच्चों को पढ़ा लिखा कर रोजगार के लायक बनाया है, अब SECL का प्रबंधन उनके बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है। हम तो चाह रहे थे कि शांतिप्रिय ढंग से CMD साहब से वार्ता हो जाए ताकि हम अपनी मांग को रख सके, लेकिन CMD साहब अपने अंडर GM लोग को भेज रहे हैं बार बार वार्ता के लिए, तो GM के विरुद्ध ही हमको शिकायत है, तो GM से हम वार्ता क्यों करें। हमारी शिकायत यह है कि हमसे नियम विरुद्ध कार्य लिया गया है, हमको ट्रेनिंग न दे करके एक जनरल मजदूर की तरह हमसे काम लिया गया है, तो माइंडसेट के तहत हम रोजगार चाह रहे हैं और हम लोग को एक जनरल मजदूर की तरह वहाँ काम कराए ट्रेनिंग देने के बाद, और हमारे कई साथी एक साथी प्राण भी त्याग दिए और कुछ लोग जल भी गए, इसलिए मैं इन लोग से अनुरोध करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी और शांतिपूर्वक कर रही हूँ कि हम लोग को रोजगार दिया जाए और हमारी आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश की जाए। गर्लफ्रेंड को परेशान करने की बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई। सरकंडा थाना क्षेत्र के मुरुम खदान में हुई इस खूनी वारदात में पवन देवांगन और देवानंद पर मिथिलेश निर्मलकर और उसके भाई दीपक निर्मलकर ने चाकू से वार कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल पवन देवांगन की मौत हो गई जबकि उसके भाई का उपचार अस्पताल में चल रहा है। सरगंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर मुरुम खदान के पास गर्लफ्रेंड को परेशान करने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मुरुम खदान का रहने वाला मिथिलेश निर्मलकर अपने छोटे भाई दीपक निर्मलकर के साथ मिलकर पवन देवांगन और छोटू उर्फ देवानंद पर चाकू से हमला कर दिया। रविवार रात हुई इस घटना के बाद पवन और छोटू उर्फ देवानंद को गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां पवन देवांगन की उपचार के दौरान सोमवार सुबह मौत हो गई। मामले में सरकंडा पुलिस ने आरोपी मिथिलेश निर्मलकर और दीपक निर्मलकर को गिरफ्तार कर लिया है और धारा 302 के तहत कार्रवाई की है। गर्लफ्रेंड को लेकर के लोग विवाद किए थे और उसी बीच में मिथिलेश और उसका भाई दोनों मिलकर के मृतक और आहत देवानंद और देवानंद जायसवाल और मृतक पवन देवांगन के साथ इनका विवाद हुआ था और मिथिलेश ने अपने घर से चाकू ला करके इन दोनों पर वार कर दिया। तत्काल रात में इस 307 का अपराध कायम किया गया, आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी, रात में ही एक आरोपी को पकड़ लिया गया था, दूसरे आरोपी को सवेरे पकड़ा गया है। मामले में 302 जोड़ी जा रही क्योंकि जो घायल था उसमें से एक मृत हो गया और उसके पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने बताया कि मृतक पवन देवांगन ने अपने भाई के साथ मिलकर पहले मिथिलेश से मारपीट की, इस बात से गुस्साए मिथिलेश ने अपने भाई के साथ मिलकर दोनों भाइयों पर चाकू से वार कर दिया।
शरीर में गहरे जख्म होने के कारण पवन देवांगन ने सोमवार सुबह सिम्स में अंतिम सांस ली। हत्या के इस मामले में दोनों आरोपी मिथिलेश और दीपक सलाखों के पीछे हैं। कैमरा पर्सन राजा खान प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। और इधर आईजी रतनलाल डांगी ने सोमवार को बिलासपुर जिले के लंबित मर्ग प्रकरणों की समीक्षा की। एसएसपी पारुल माथुर सहित राजपत्रित अधिकारियों से आईजी ने थानेवार जो है लंबित मर्ग की जानकारी ली। कार्यवाही से संतुष्ट आईजी ने अधिकारियों के कार्यों की सराहना की। लंबित मर्ग प्रकरण की समीक्षा करते हुए आईजी रतनलाल डांगी ने बताया कि बीते सालों में जिले में कुल 1500 से अधिक मर्ग विभिन्न थानों में दर्ज हुए, जिसमें सर्वाधिक मामले वर्ष 2022 के हैं। आईजी ने कहा कि मर्ग प्रकरणों की अधिकारियों ने समय सीमा के भीतर जांच की, नतीजा यह रहा कि वर्तमान में 600 मर्ग प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने जिले में हुई मर्ग जांच में संतुष्टि जाहिर करते हुए अपने मातहतों के कार्यों की सराहना की। लंबित मर्ग प्रकरण बैठक में एसएसपी पारुल माथुर, एडिशनल एसपी गरिमा द्विवेदी, सीएसपी मंजुलता बाज, कोटा एसडीओपी आशीष अरोरा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक दीपमाला कश्यप सहित अधिकारी मौजूद रहे। बिलासपुर जिले में लगभग 1500 के आसपास मर्ग के जो है दर्ज थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और आज की स्थिति में करीब 600 के आसपास जो है मर्ग जो पेंडिंग की समीक्षा की जा रही है, उसमें भी 2022 के ज़्यादा प्रकरण है। तो सभी अधिकारियों ने और हमारे जो थाना प्रभारी काफ़ी मेहनत करके और एसएसपी मैडम के निर्देशन में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और भी कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनमें उनको एक दिशा निर्देश देने की जरूरत होगी, तो वह मानकर देख के जल्दी करें। मर्ग मामले में अस्पतालों से देरी में मिलने वाले पीएम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों के द्वारा कई मामलों में अस्पष्ट राय के कारण पुलिस की जांच प्रभावित होती है। आईजी रतनलाल डांगी ने कहा कि डॉक्टरों को स्पष्ट राय देनी चाहिए, इससे जांच में काफी मदद मिलती है। डॉक्टर्स का ओपिनियन तो मैटर करता ही है और इसके लिए जो सभी हमारे एसपी जो है वो डॉक्टर से भी बात करते हैं, उनके टीम मीटिंग में इस बात में चर्चा करते हैं कि पीएम रिपोर्ट्स टाइमली मिले और स्पष्ट राय मिले। कई बार वो नहीं देते हैं तो फिर उनके लिए क्वेरी भी की जाती है और यदि सही राय मिल जाए, सही समय पर मिल जाए तो जो है जो विक्टिम्स होता है उसको थोड़ा जस्टिस चलती है। कई मर्ग प्रकरणों में चिकित्सकों द्वारा स्पष्ट अभिमत नहीं देने के कारण मृतक का बिसरा सुरक्षित रखा जाता है। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट देरी में आने के कारण जांच प्रभावित होती है। जांच रिपोर्ट के बिना पुलिस कार्रवाई की दिशा भी तय नहीं हो पाती। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लिंक रोड के रहने वाले देवीदास वाधवानी ने ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी मोहम्मद तारिक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में भया दोहन का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि मोहम्मद तारिक उसे झूठे मामले में फंसाने लगातार शिकायत कर रहा है। बीते माह तारिक ने कार्यवाही से बचने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, रुपए नहीं मिलने पर झूठे मामले में फंसा देने की धमकी दी। इससे डर कर पीड़ित देवीदास ने 7 लाख रुपए मोहम्मद तारिक को दे दिया। 1 करोड़ रुपए देने में असमर्थ देवीदास ने मामले की शिकायत एसपी से की। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी तारिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तोरवा थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर फरार 15 वारंटियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह की निगरानी में पुलिस की अलग अलग टीम बनाई गई। फरार वारंटियों को ढेंका, दो मुहानी, पोड़ी, मेहमन, लाल खदान, देवरी खुर्द, तरी घाट सहित अन्य स्थानों से जो है पकड़ा है। अपराधियों के खिलाफ थाने में कई मामले दर्ज है। न्यायालय में पेशी में गैरहाजिर थे। कोर्ट से जारी किए गए वारंट के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर इनकी गिरफ्तारी की है। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने शिवटा के चौक से लेकर पुराना बस स्टैंड तक चौड़े जो है वो डिवाइडर का लोकार्पण किया था। यहां टैगोर चौक से लेकर पुराना बस स्टैंड तक जो है डिवाइडर दोनों ओर जो लगे लोहे के एंगल को चोर काट कर ले गए। डिवाइडर के बीच में लगे पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए गए एंगल की चोरी होने के कारण यहां मवेशी पौधों को चट कर रहे हैं। चोर और अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिस गति से एंगल की चोरी कर रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाले दिनों में डिवाइडर में लगा एंगल लोहे का जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इस ओर जल्दी ही निगम प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो है सरकारी संपत्ति की चोरी रोकी जा सके। लॉकडाउन से चालू हुआ है जो अभी तक चल ही रहा है और ये दिन ब दिन गायब हो रहा है। उस पर तो पहले था कुछ, अभी उस पर भी गायब हो गया। ये सरकार ध्यान नहीं दे रही इस पर। नगर निगम पेड़ काटने आया तो वो भी ध्यान नहीं दिए। हम लोग टच किए थे एक बार तो बोले कर रहे हैं, अब कैसे करें, ऐसे करके उन लोग भी टाल दिए इस बात को। लेकिन आप ध्यान दें, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लगा।
कलेक्टर सौरभ कुमार सोमवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों से उन्होंने चर्चा कर अस्पताल के विभिन्न वार्डों का अवलोकन भी किया, संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। बिलासपुर में पदस्थापना के बाद कलेक्टर सौरभ कुमार लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने जिला अस्पताल सहित मातृ शिशु भवन का निरीक्षण किया। यहां पहुंचते ही कलेक्टर ने ओपीडी आईपीडी सहित वार्डों का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से भी चर्चा कर इलाज और मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में पूछा। जिला अस्पताल के हर रूम, ओपीडी, वार्ड और कैश काउंटर सहित ऑक्सीजन पाइपलाइन का जायजा लिया। इस दौरान पीडियाट्रिक वार्ड के निर्माण सहित जिला अस्पताल के फ्रंट लुक में कुछ बदलाव करने कहा। लोकसभा टीवी से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल की खूबी और सफलता वहां मौजूद विषय विशेषज्ञों से होती है और यही कारण है कि उनके साथ बैठकर उनकी मांगों समस्याओं पर बातचीत करना जरूरी है। कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। कोविड के संबंध में क्या तैयारी है उसको भी जानने की कोशिश करी, और जो नॉन कोविड है, जो 99% लोग अभी जो अस्पताल में हैं वो नॉन कोविड लोग हैं, उनको जो जो उनको टेक्निकल हेल्प चाहिए, जो उनको मेडिकल हेल्प चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प चाहिए, उसके बारे में भी जाना, आज जानने का ज़्यादा वो था। कोशिश करूँगा कि जो जो कमी पेशी मिली है उनको ठीक कराए। कोई भी अस्पताल डॉक्टरों से चलता है, तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, वो जिस भी श्रेणी के हों, गायनेकोलॉजिस्ट हों या पैथोलॉजिस्ट हों या सर्जन हों, उनके साथ बैठना, उनकी मांग समझना, उनका विजन समझना किसी भी अस्पताल के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो समझने की कोशिश करूंगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार के साथ संयुक्त कलेक्टर अंशिका पांडे, CMHO बिलासपुर, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और CGMSC के कर्मचारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष पर गौचर जमीन पर कब्जा करने का गंभीर आरोप ग्रामवासियों ने लगाया। इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस मामले का जल्दी निराकरण करने का भरोसा दिलाया है। सोमवार को ग्राम पंचायत धोरामार के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत धौरामार में कुछ ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया था, जिसे हटा दिया गया, मगर अब उसी जमीन पर जिला पंचायत अध्यक्ष कब्जा कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बलात् जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को बताया कि 5 से 6 एकड़ पंचायत की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से जनप्रतिनिधि कब्जा कर रहा है और उस पर बकायदा कृषि कार्य कराया जा रहा है। जिला अध्यक्ष अरुण चौहान जी, हमारे गांव का जमीन 5-6 एकड़ कब्जा करके रखा है और बोलने पर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ये बोल रहा है वो आप शब्द हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, सूखा दिन आएगा तब मैं सीमांग करके छोड़वाऊंगा। जिस नाम से पूरी हम बस्ती आए हैं, क्योंकि हमारे गाँव का बेजा कब्जा पूरा पूना छोड़ा दिया गया है, तो ऐसा अगला आदमी किए नहीं है जो हमारे भूमि को काबिज करे अगले वाले, ऐसा नहीं होगा। और मरीकापा भी वही स्थिति है और नौवा पथरा भी वही स्थिति है। अब ये विज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिए हैं कि 10 दिन में अब पद का दुरुपयोग तो ही है सर, बेजा कब्जा करके ऐसे है तो आपका पद में नहीं रहना चाहिए। जो शासकीय भूमि स्वयं राजा बन कर तुम चोरी कर रहे हो, तो ये तरीका थोड़ी है। ये अरुण सिंह चौहान, छोटे करगी के जिला अध्यक्ष महोदय है अभी वर्तमान में। हमारे गाँव में 5 से 6 एकड़ करीब बेजा कब्जा करे है और हमारे समस्त ग्रामवासी मन कर रही है छोटे छोटे बेजा कब्जा, सब लोग छोड़ दिए गए हैं। महोदय जी से आए रहन बुधवार के दिन बात करे हैं तो निजी जमीने बता के मैं कब्जा नहीं छोड़ा बोलते हैं, देख जेन करना है कर लो, जहाँ जाना है जा बोल दी। शासकीय जमीने गौचर ग्राम पंचायत घोरामार के। इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान का कहना है कि गांव में उनकी पैतृक जमीन है जिसमें पिछले 45 वर्षों से वे कृषि कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों के आरोप को बेबुनियाद बताया। बहुत सारे गांव वालों का उसमें ना क्या है, वो पैतृक संपत्ति है और उसका जब सीमांकन होगा तो पता चलेगा कि किसकी जमीन कहाँ पे है। मेरा जमीन वहाँ पे 15 एकड़ जमीन है वहाँ पर, है ना, और मुझको मेरे को पैतृक संपत्ति मिली है। मैं 43 साल से खेती कर रहा हूँ, आज पहली बार उन लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर है। होगा तो उसका सीमांकन करा के देखेंगे, बरसात के बाद सीमांकन होगा, अभी तो हो नहीं सकता, खेती हो रही है ना।
और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, गांव के विकास में मैं हमेशा साथ रहूंगा, उनके भी साथ रहूंगा। उनकी पार्टी की ही सरकार में जिला पंचायत अध्यक्ष पर ये आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी जांच अधिकारी बारीकी से करेंगे, क्योंकि कलेक्टर सौरभ कुमार ने ग्रामीणों को 10 दिनों के भीतर जमीन का सीमांकन और जांच कराने का आश्वासन दिया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अलग अलग बने संगठन को अब एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। पूर्व सैनिक महासभा के नाम पर 13 संगठनों का विलय हो चुका है। महासभा का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों का कल्याण करना है। पूर्व सैनिक महासभा का 2 दिवसीय प्रथम अधिवेशन दिनांक 10 जुलाई को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड बिलासपुर के सभागृह में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के पंजीकृत संगठन अधिकृत पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहां सर्वसम्मति से पूर्व सैनिक महासभा के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनका कार्यकाल आगामी 3 वर्ष तक रहेगा। सोमवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सैनिक महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि देश के पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों और सेवारत सैनिक परिवारों के कल्याण पुनर्वास समस्याओं के निवारण के लिए छत्तीसगढ़ के सभी पूर्व सैनिक पंजीकृत संगठनों ने एक साथ आकर गठबंधन कर लिया है। जो शासन प्रशासन के पास पंजीकृत है उनको मिला के हमने एक अलायंस, एक महागठबंधन बनाया, गठबंधन बनाया जिसका नाम पूर्व सैनिक महासभा है। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहे? हर जैसे कि हर सैनिक पूर्व सैनिक संगठन का उद्देश्य पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों और सेवारत सैनिकों के परिवार का कल्याण, उनका पुनर्वास और उनकी समस्याओं का निवारण है। पूर्व सैनिक महासभा का भी यही उद्देश्य है, उनका भी लक्ष्य यही है। सभी पंजीकृत संगठनों ने आधिकारिक लिखित समर्थन पत्र देकर पूर्व सैनिक महासभा का समर्थन किया है। हर पंजीकृत पूर्व सैनिक संगठन के 3 सदस्य पूर्व सैनिक महासभा की कार्यकारिणी के लिए संगठन द्वारा नामित किए गए हैं। पूर्व सैनिक महासभा के अन्य 2 पदों की नियुक्ति आगामी अधिवेशन में की जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयंत गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर वनमंडल अधिकारी कार्यालय परिसर के दीवारों पर इन दिनों सौंदर्यीकरण के नाम से रुपयों की बर्बादी की जा रही है। बाउंड्री वॉल पर प्लास्टिक युक्त प्लाई शेड लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने सड़क ऊंचा होने के कारण सुरक्षा के नाम पर प्लास्टिक युक्त प्लाई लगाने की बात कही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बरसात के दिनों में ये प्लाई कितने दिनों तक टिक पाएगा, यह समझ से परे है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। यात्रियों ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का जताया विरोध। इधर जोनल स्टेशन में देखने को मिली सफाई। गर्लफ्रेंड को परेशान करने का विवाद पहुंचा हत्या तक। मामला सरगंडा थाने का, आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, कहा मरीजों को मिले उचित इलाज, चिकित्सकों की जरूरतों का रखेंगे ख्याल। समृद्धि बाजार के 82 दुकानदारों का 80 लाख बकाया, निगम आयुक्त ने जारी किया अंतिम नोटिस। और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। कलेक्टर कार्यालय के सामने नो पार्किंग जोन में भी लोगों ने बनाया अवैध पार्किंग स्थल। ये थी हेडलाइंस, आइए बढ़ते हैं खबरों में। समृद्धि बाजार की दुकानें जिन लोगों को अलाट की गई उनके द्वारा नगर निगम को किराया अदा नहीं किया जा रहा है। करीब 82 दुकानदारों के ऊपर निगम का 80 लाख रुपए बकाया है। निगम आयुक्त ने नोटिस जारी कर बकायादारों को अंतिम मोहलत दी है। गणेश चौक स्थित निगम का समृद्धि बाजार जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था उस पर बकायादारों ने पानी फेर दिया है। आवंटित की गई 82 दुकानों के किरायेदार दुकान में पैर जमा कर बैठ गए हैं। हर महीने किराए की उम्मीद में बैठे नगर निगम प्रशासन को किरायेदार मासिक किराया नहीं दे रहे हैं। वर्ष 2011 में अलॉट की गई दुकानों में से शुरुआती दौर में किराया मिल रहा था, लेकिन बाद में कई दुकानदारों ने किराया देना बंद कर दिया। वर्ष 2015-16 में निगम ने अभियान चलाकर बकायादारों से राशि की वसूली की थी। इसके बाद फिर यही स्थिति आन पड़ी है। निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि करीब 82 दुकानदारों का 80 लाख रुपए किराया बाकी है, जिन्हें अंतिम नोटिस दिया जा रहा है और आगे दुकान में ताला बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। बहुत समय से नगर निगम का जो किराया का
बकाया राशि है उसको लोग जमा नहीं कर रहे हैं। कम से कम 3 से 4 बार लोगों को अलग अलग बुला के समझाइश भी दी गई है और नोटिस भी दिया गया है, उसके बावजूद उनके द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। अब इस मामले को लेकर के नगर निगम थोड़ा सख्त हुआ है, अभी उनको अंतिम नोटिस 1 सप्ताह का दिया जा रहा है। अगर 1 सप्ताह के अंदर वो बकाया राशि जमा नहीं करते हैं तो फिर आवंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई एवं तालाबंदी की कार्रवाई होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 82 दुकान वहाँ पर हैं जिनके ऊपर लगभग 80 लाख रुपये का बकाया है। निगम आयुक्त ने साफ शब्दों में दुकानदारों को कह दिया है कि यह तो किराया पटाएं, यह तो दुकान छोड़ें। बताया जा रहा है कि समृद्धि बाजार की कई दुकानों को किरायेदारों ने दूसरों को किराए पर दे दिया है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन उन दुकानदारों के आवंटन को निरस्त करने का मन बना लिया है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बरसात आते ही नगर निगम की पोल खुल जाती है। अब तो शहर के वार्ड क्रमांक 14 गंगानगर में तालाब और अन्य जगहों का पानी सड़क पर बह रहा है, इससे वार्डवासी खासे परेशान हैं। शहरवासी हर साल करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में निगम सरकार को देते हैं, इसके बदले जनता को क्या सुविधा मिल रही है ये नजारा देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। नगर निगम के शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाका, अधिकांश मुख्य सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। अब इन सड़कों पर गंगा भी बहने लगी है। बरसात के मौसम में चलना मुश्किल हो गया है। वार्ड क्रमांक 14 के गंगानगर में लोगों को बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस इलाके में पानी निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। निगम द्वारा यहाँ अब तक नाली का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। वहीं इस गली के अंतिम छोर में तालाब है जो इन दिनों पानी से लबालब है। इस तालाब का भी पानी गलियों में बहने लगा है। आसपास के क्षेत्र का गंदा पानी इन नालियों से होकर गंगानगर पहुंच रहा है। ये समस्या हर साल बरसात के समय उत्पन्न होती है, मगर जिम्मेदार इसे सुधारने की जहमत नहीं उठा रहे। ये जब से पानी गिरा है तब से, और ये हर साल की बात है, हम लोग विगत 10 साल से देख रहे हैं इसको, और ये पूरे नली का पानी इधर इसी में शामिल है, इसी से चल के जाते हैं, सांप चल रहा है, बिच्छू चल रहा है, बच्चे चलते हैं इसी में, और क्या बताया, कुछ बोलने से पार्षद क्या बोलते हैं? पार्षद को हम लोग बोलते हैं तो बोलते कि बनवाएंगे, रोड का बोल रहे हैं तो बनवाएंगे, बाकी कुछ जवाब ही नहीं मिलता है। आगे बोलते हैं बनवाएंगे, हर बरसात की यही प्रॉब्लम है हम लोग को। बरसात शुरू होता है ये तो बहुत, ये जैसे ही पानी गिरता है पूरे इतना इतना पानी में सब चल के जाते हैं, पूरा वही समस्या ही है, पूरा नली का पानी इसी से मिला रहता है। बरसात के दिनों में यहाँ की स्थिति भयावह हो जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि गलियों में गंदा पानी भरा रहता है जिसमें जहरीले जीव जंतु पनपते हैं। लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो जाता है, लेकिन इस समस्या का निराकरण करने जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जरावाडा स्थित जतिया तालाब के सौंदर्यीकरण और उन्नयन के लिए लाखों रुपए निगम द्वारा फूंक दिए गए, मगर अब तक इस तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हो सका, और अब एक बार फिर से निगम इस तालाब के कायाकल्प पर जो है लाखों रुपए खर्च करने जा रहा है। जतिया तालाब में प्रदूषित पानी को फिल्टर कर तालाब में ले जाने के लिए टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि निगम का ये प्लान कब तक पूरा होगा और सफल होता है कि नहीं। सीवरेज कार्य के चलते जरावाटा से सिंधी कॉलोनी मार्ग पर सड़क के बीच गहरा गड्ढा खोद दिया गया है, इससे आवागमन करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह पर ये कार्य किया जा रहा है ठीक उसके सामने छोटे बच्चों का विद्यालय है। हालांकि निगम प्रशासन यहाँ पर स्टॉपर जरूर लगाया है, लेकिन लेट लतीफी के इस काम के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन इसे व्यवस्थित करने अधिकारी नींद से नहीं जाग रहे हैं। अब तो कलेक्ट्रेट के सामने नो पार्किंग जोन को ही लोगों ने पार्किंग का नया ठिकाना बना लिया है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से सब वाकिफ हैं। रोजाना राहगीरों को जाम का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसे दुरुस्त करने कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। ये नजारा है बिलासपुर कलेक्ट्रेट के सामने का। यहाँ वाहनों की कतारें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ लोग किस तरह जाम की स्थिति का सामना कर रहे हैं। स्मार्ट सड़क बना दी गई,
लेकिन ये वाहनों की पार्किंग का अड्डा बन गया है। कलेक्ट्रेट के सामने नो पार्किंग जोन में वाहनों को पार्क किया जा रहा है। यही नहीं, वाहनों की लंबी कतारें कलेक्ट्रेट से जिला पंचायत, जिला न्यायालय से होकर मुंगेली नाका शेफर स्कूल तक यही नजारा आपको दिखाई देगा। व्यवस्थित पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने यहाँ यातायात का जवान आपको नजर नहीं आएगा। ये नजारा अक्सर यहाँ सुबह से ऑफिस छूटने के समय यानी शाम 5 बजे तक बना रहता है। विभिन्न विभागों के अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। अब लगता है नए कलेक्टर सौरभ कुमार को ही इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली अंग्रेजी माध्यम स्कूल समिति संविदा शिक्षकों की भर्ती करेगी। इस सत्र से नए खुलने वाले 3 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्राचार्य पद को छोड़कर शेष पदों पर संविदा भर्ती के लिए आवेदन लिया जाएगा, जिसकी तैयारियां शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है। व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए इंग्लिश मीडियम अनिवार्य है। नॉन टीचिंग स्टाफ भी संविदा से लिया जाना है। 3 नए स्कूल खोले गए हैं, उसमें जो भी शिक्षकों की भर्ती होगी उसका भुगतान जो है DMA पद से किया जाएगा। शासन की ओर से इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। और चूंकि संविदा नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति में बहुत सारे शिक्षक काम कर रहे हैं और बहुत सारे शिक्षक मिले भी नहीं हैं जो अभी भी रिक्त है, तो कुछ पद ऐसे हैं जिसमें संविदा नियुक्ति की आवश्यकता ज़्यादा है। पहले संविदा नियुक्ति कर रहे हैं, उसके बाद प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। कानन पिंडारी मिनी जू में केज से भालू के बाहर निकलने के मामले में डिप्टी रेंजर को नोटिस दिया गया है, जबकि जू कीपर को हटा दिया गया है। नोटिस में जवाब मांगा गया है कि आखिर इतनी बड़ी जो है वो गंभीर चूक कैसे हुई। इस लापरवाही के मामले में कानन के अफसर भी बच नहीं सकते। उच्चाधिकारी भी जिम्मेदार अफसरों से जवाब मांग रहे हैं। CCF वाइल्ड लाइफ S जगदीशन ने रेंजर विजय साहू से भी स्पष्टीकरण मांगा है। राजधानी में मानसून अभी सक्रिय है। रविवार को हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम ने करवट ली। मौसम विभाग की माने तो सावन के पहले द्रोणिका के असर से वर्षा के हालात बने रहेंगे। फिलहाल रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन दिन का अधिकतम तापमान अभी कम नहीं हुआ है। इसके कारण गर्मी और उमस बरकरार है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर गीत शर्मा के अनुसार प्रदेश में आने वाले 1-2 दिनों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी और गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ेंगे। दर्शकों, आप देखते रहिए लोकसो टीवी। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।